गुवाहाटी में इन दिनों भव्य अति भव्य ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शानदार आयोजन हो रहा है। यह आयोजन न केवल गुवाहाटी बल्कि पूरे पूर्वांचल जैन समाज का आयोजन है। स्थानीय समाज के साथ ही विभिन्न स्थानों से हजारों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु इसके साक्षी बन रहे हैं। इन दिनों अतिशय क्षेत्र सूर्यपहाड़ का पंच कल्याणक पूर्वांचल जैन समाज अपने राजकीय अतिथि के चरणों में रहकर महामहोत्सव के रूप में मना रहा है। पाषाण को परमात्मा और नर को नारायण बनाने वाले ऐतिहासिक पंच कल्याणक महामहोत्सव को लेकर गुवाहाटी के फैंसी बाजार में भव्य आयोजन चल रहा है। पूर्वांचल समाज के घर घर में यह उत्सव छाया है। महामहोत्सव में दूसरे दिन गर्व कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारम्भ महोत्सव के पात्रों द्वारा नित्य में पूजन अर्चना के साथ किया गया। अतिशय क्षेत्र सूर्य पहाड़ पर 1200 वर्ष प्राचीन भगवान आदिनाथ जी की अतिशयकारी प्रतिमा यहां विराजमान है। साथ ही अलग अलग मुनियों की प्रतिमाएं भी यहां विराजमान है। महामहोत्सव को लेकर संघस्थ मुनिश्री ने अपने भाव व्यक्त किए। अगर अपने नगर के पास में कहीं पे भी पंचाणक हो रहा है तो हमें जरूर जाना चाहिए, जिससे हमारा पुण्य का संचय बढ़ता है और पुण्य की वृद्धि होती है। कहते हैं भगवान एक ऐसे भगवान है जिनके पास हम जाने से हमारा जन्म मरण सुधरता है और मेरे जन्म के जो कर्म जो भी होते हैं वो नाश हो जाते हैं और हमारा जन्म सार्थक होता है। जीवन में ध्यान रखें, भगवान बनना है तो भगवान की प्रक्रिया में जरूर उतरना है। आज हमारे आचार्य भगवान यहाँ गुवाहाटी में आए हैं तो यहाँ पूर्वांचल का ये पंचाणक पूरे समाज का चल रहा है। तो ये भगवान कंकर से शंकर और शंकर से परमाता बनने की ये कला है, तो हमें जरूर बनना है। महामहोत्सव में दीप प्रज्वलनकर्ता के रूप में पधारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं गुरुदेव के परम भक्त अजीत जैन जी ने कहा कि आज वर्षों की इच्छा पूर्ण हो रही है। मैं बहुत ही हर्षित हूँ और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि श्री सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन पहाड़ का पंच कल्याण महोत्सव हो रहा है, जो इसकी प्रतिष्ठा में बहुत दिनों से थी, आज वो हमारी इच्छा पूर्ण हो रही है। और ये जो मेला बहुत ही ऐतिहासिक होगा और पूरे पूर्वोत्तर में इसकी धूम मच रही है और महाराज जी प्रमुख सागर जी और अरिजीत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी के अध्यक्ष महावीर जी गंगवाल हाथी गोला परिवार ने कहा कि यह महामहोत्सव समस्त पूर्वोत्तर की शान और एकता की पहचान है। ये पूर्वोत्तर की शान है, पूरा पूर्वोत्तर समाज को लेकर ये पंच कल्याण हम लोग कर रहे हैं। उद्देश्य था पूर्वोत्तर एक साथ रहे, हम सब मिल के ऐसा काम करें कि समाज में एकता बनी रहे। और यह पंच कल्याण विशेषकर एक तीर्थ बनाने के संदिग्ध में है और तीर्थ बनाया जा रहा है सूर्य पहाड़ पर, जहां आदिनाथ भगवान की 1200 साल पुरानी प्रतिमा और अलग अलग मुनियों की आकृतिक प्रतिमाएं हैं। और भारतवर्ष में ही नहीं, पूर्वोत्तर के लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैन समुदाय 1200 वर्ष पहले यहाँ असम में पूर्वोत्तर में आ चुका था और आज है, और इसी उद्देश्य के साथ ये पंच कल्याण हो रहा है। गुवाहाटी से सहभागिता कर रहे साहिल जैन और सुरेंद्र जैन ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। ये हमारा सौभाग्य होगा जो हमें भगवान के अभिषेक प्रथम अभिषेक करने और देखने का मौका मिलेगा। और मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ कि हमारे गुवाहाटी में जिस जगह पे ये अभिषेक हो रहा है वो जगह यहाँ पे अभी शहर में नहीं डेवलप हुई है और ये हमारे किसी संस्था को ये कभी नहीं दिया गया है, ये हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारी पंचायत की मेहनत से। तो कल का जो दृश्य उस गार्डन में जो जन कल्याण का अभिषेक होगा वो देखने लायक होगा, अद्भुत होगा। उस दृश्य का इंतज़ार हम सब बेसब्री से कर रहे हैं और मैं अपनी माता जी के साथ यहाँ पे आया हूँ। मेरी माँ के भी इतने भाव हो रखे हैं कि नहीं, मैं जैसे भी हो दिन भर ये सब प्रोग्राम अटेंड करूंगी, ऐसा आनंद इस गुवाहाटी शहर में छाया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा आयोजन हुआ है इस बार और बहुत भव्य रूप में हो रहा है। ये पूरा पूर्वोत्तर का पंच कल्याणक है, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एक पूरा रीजन है जिसका एक पंच कल्याणक हो रहा है।
पूर्वोत्तर के विभिन्न स्थानों से पहुँचे महाअनुभावों को राजकीय अतिथि अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज के सानिध्य में इस महामहोत्सव में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरु भक्त परिवार भी शास्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जैन फोकस के लिए गुवाहाटी असम से ब्यूरो रिपोर्ट।